हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन। आज हम मेथी के शक्कर पारे बनाएंगे। आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैदा, सूजी, मेथी, घी, तिल, अजवाइन, नमक, हल्दी और चिली फ्लेक्स। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। एक कप हमने मैदा लिया है। और ये दूसरा कप, दो कप हमने मैदा लिया है। दो टेबलस्पून इसमें हम सूजी डालेंगे। बिल्कुल पिंच हल्दी डालेंगे। वन कप मेथी, टू टेबलस्पून हम घी का मोन डालेंगे। पिंच अजवाइन डालेंगे। अब हम तिल डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने एक टेबलस्पून तिल डाला है और एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे हम। ऐसे हम रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका कलर बहुत डार्क आ जाता है, तो ये दिखने में अच्छा दिखेगा, इसलिए हमने चिली फ्लेक्स यूज किया है। आइए अब हम सारे इंग्रीडियंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हमने मिक्स कर लिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसके अंदर। आइए अब हम आटा गूंद लेते हैं। हमें पूरी का आटा हम कैसे गूंदते हैं, उस हिसाब से हमें उतना सख्त आटा गूंदना है। अभी हमने एक कप पानी लिया है, हम देखते हैं कितना पानी यूज होता है इसमें। देखिए, अब हमने आटा गूंद लिया है, पूरी जितना सख्त आटा गूंद लिया है। और मैंने इसे थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लिया है आटे को। और ये आटा भिगोने में हमें पूरा एक कप पानी लगा। आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना। आइए अब हम रोटी बेल लेते हैं। हमने साइड पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। आइए अब हम कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज में कट कर सकते हैं। आइए अब हम अपना तेल चेक कर लेते हैं, गरम हुआ कि नहीं। थोड़ा सा आटा डालेंगे अंदर। अपना तेल गरम हो गया है। अभी हम ये फ्राई कर लेते हैं। अब हम लो से मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई कर लेंगे। A few moments later, देखिए हमारे गोल्डन फ्राई होके रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं। इसे फ्राई करने में हमें 3 मिनट लगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए हमारे मेथी के शक्कर पारे बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।